हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेन मोर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग उदयपुर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले हमने और भी राजस्थान के कॉलेजेस के बारे में रिव्यू किया हुआ है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसके थ्रू जाके आप उन सारे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग उदयपुर, ये 1964 में ओपन हुआ था। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ये जो है एफिलेटेड महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कॉलेज से एफिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स MBA, MTech, BTech, PhD जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं। इसमें जो है BTech की 8 ब्रांचेस हैं और MTech की जो है 12 ब्रांचेस हैं, ठीक है। इस कॉलेज में आपको दो तरीके से एडमिशन मिल सकता है। आप या फिर JMS के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या फिर RIP के थ्रू इस कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉलेज है ये उदयपुर सिटी से अप्रोक्स 8 किलोमीटर की दूरी पे ये कॉलेज है सिटी से। तो दोस्तों, इस कॉलेज के बारे में प्लेसमेंट कट ऑफ रैंकिंग और इस कॉलेज के फेस्ट के बारे में हम लोग जो है आगे ही देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे हम लोग आ चुके हैं और हम लोग देखते हैं इस कॉलेज में सबसे पहले जो है प्लेसमेंट में कौन कौन सी कंपनियां जो है विजिट करती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं थ्रू ऑन द कैंपस कौन सी है, जैसे जॉन धीरे हो गया, JK सीमेंट हो गया, और भी यहाँ पे सिल्क रॉक हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया। यहाँ पे देखिए जार एजुकेशन, यहाँ पे इतनी सारी जो है कंपनियाँ यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए विजिट करती हैं, ठीक है। तो आइए अब लोग अब नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे ऑफ साइट, यहाँ पे इन्होंने विजिट किया है, पर ऑफ साइट से क्या मतलब है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्लेसमेंट ले पाता है। इनको इन्होंने ऑफ साइट भी दे दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए ग्लोबल स्पेस, NBC, ये इन्होंने दिया हुआ है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जैसी कंपनियाँ विजिट करती है, पर यहाँ तक कि हमें बात करनी चाहिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कितने बच्चों का प्लेसमेंट इस कॉलेज में हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आइए बात करते हैं ईयर वाइज प्लेसमेंट्स ऑफ स्टूडेंट कितने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 2017 में जो था 179 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था, 2018 में 210 और 2019 में 215 स्टूडेंट का प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो हम लोग और नीचे चलते हैं तो हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ कंपनी कितनी विजिट की हैं। तो 2017 में 29, 2018 में 33 और 2009 में जो 36 प्लेस कंपनियाँ जो यहाँ पे विजिट की हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि ईयर वाइज जो है प्लेसमेंट्स बढ़िया होते जा रहे हैं, यहाँ पे ईयर वाइज प्लेसमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हम लोग आइए और भी देख सकते हैं कि इनके जो है नंबर ऑफ सेक्रेट, ठीक है। इन्होंने बताया है कि देखिए यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट किया है कि प्लेसमेंट थ्रू कैंपस, यहाँ पे थ्रू कैंपस एलिजिबल स्टूडेंट कितने थे और कितनों का प्लेसमेंट हुआ, इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। देखिए एलिजिबल स्टूडेंट था 228 और प्लेसमेंट कितना हुआ 179, ये हमारा 2017 का था। और 2019 में हम लोग देख सकते हैं 246 थे और 215 का जो है यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनकी एवरेज सैलरी पैकेज और मैक्सिमम सैलरी पैकेज। एवरेज सैलरी पैकेज इनकी 3.6 गई है 2017 में और 8.8 जो है यहाँ पे मैक्सिमम गया हुआ है। और 2019 की हम लोग बात की जाए यहाँ पे तो 4.2 और 12 लाख जो है गया हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट का, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दी है कि मिनिमम सैलरी पैकेज, ओ यहाँ पे इन्होंने एवरेज बताया था और यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिनिमम गया है 2.8 2017 में और 2018 में 3.2 और 2019 में 3.5 लाख गया हुआ है यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड। दोस्तों, अगर हम लोगों ने यहाँ पे बात की, मतलब हमने थोड़ा गूगल भी किया था, तो हमें पता चला यहाँ सबसे अच्छा प्लेसमेंट जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा इसके प्लेसमेंट के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। तो हम लोगों ने जो था क्योरा की साइट पे आके देखा तो इन्होंने बताया है कि ये प्लेसमेंट जो है इनका 6 to 7 lakh जाता है यहाँ पे माइनिंग का गया हुआ है, इंजीनियरिंग का, ठीक है।
और हम लोगों ने इसके बारे में और भी लोगों से पता किया, तो देखिए मतलब क्योरा पे तो यहाँ पे इनका 10 लाख जो है मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है, 6.5 से लेकर 7 लाख इनका जो है मैक्सिमम प्लेसमेंट जा रहा है। तो मतलब कि इनका जो है मैक्सिमम प्लेसमेंट जो है 10 से लेकर 12 लाख तक जाता है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इनकी ये जो है फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर इनकी जो कॉशन मनी 7500 रुपीज़ है, उसके बाद यहाँ पे पोस्टपेड फीस, ट्यूशन फी, इन्वॉल्वमेंट फीस इन्होंने दी हुई है। आइए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। सबसे पहले जो है अगर आप TWS में आते हैं तो 17190 रुपी आपको देने पड़ेंगे, एडमिशन के टाइम और 44690 जो है आपको देने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम। इसमें यहाँ पे 7500 जो है कॉशन मनी है वो आपको 4 ईयर बाद जो है वापस हो जाती है। मतलब सेकेंड सेमेस्टर की फीस 35230 रुपीज़, मतलब अप्रोक्स देखा जाए तो इनकी कॉलेज की फीस जो है 70460 रुपये पड़ रही है एक साल की, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग TWS में जानते हैं, TWF मतलब इनको स्कॉलरशिप मिलती है, इनको फीस जो है बहुत कम देनी पड़ती है। ये राजस्थान के द्वारा जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको इन मतलब एक स्लिप आती है, उन्हीं स्टूडेंट को मिलती है जिनकी मतलब जे मेन्स में रैंक के आधार पे ये TWS लिस्ट बनाई जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2500 रुपीज़ दिया हुआ है हॉस्टल एडमिशन पे, हॉस्टल कॉशन मनी 2000 रुपीज़, हॉस्टल मेस का जो है 3500 है। और ठीक है अगर आप सिंगल सीटेड लेते हैं तो 24510 रुपीज़ पड़ेगा, डबल लेंगे 23910 रुपीज़ पड़ेगा, और आप लोग अगर ट्रिपल सीटेड लेंगे 23190 रुपी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टल फीस एक हिसाब से देखी जाए तो ठीक ही है, मगर आपको एक बार मैं बता दूँ हॉस्टल फीस के साथ आपको जो 3500 मेस की फीस है वो पर मंथ देनी पड़ेगी, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो आपको हर महीने जो है देनी पड़ती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें जो था मतलब कि एक हिसाब से बोला जाए तो हमें कट ऑफ्स के बारे में इनके ऑफिशियल साइट पे कोई भी जानकारी नहीं मिली, तो हम लोगों ने थोड़ी और इनकी मतलब कहीं से निकाला तो हमें पता चला कि देखिए इन्होंने जो है पुराने हिसाब से बताया है कि जेई मेंस के एग्ज़ाम में आपको 100 मार्क्स इन जेई मेंस, तो मार्क्स के जमाने तो चले गए हैं, कट ऑफ परसेंटाइल आ चुकी है, यहाँ पर इन्होंने दिया है 88%, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने जगह कोई बच्चा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 60-65% मतलब कट ऑफ चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो हमें कट ऑफ के बारे में इतनी जानकारियाँ मिल पाई हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं इस कॉलेज में फेस्ट के बारे में। तो ऐसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया अपने ऑफिशियल साइट पे 17 एलुमनी मीट ऑफ फैसिलेट प्रोग्राम 2019, मतलब यहाँ पे एक फेस्ट हुआ है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी 2015-18-19-21, ठीक है। फेस्ट के बारे में तो मैं उतना बता नहीं पाऊँगा क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन तो किया नहीं है, ठीक है। जिन्होंने मेंशन किया उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इस साल प्लेस यहाँ पे फेस्ट हुए थे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कॉलेज की रैंकिंग के बारे में। तो हमने मतलब इनकी एक विकीपीडिया है उसके थ्रू हमने जाके पता किया है। तो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट NIT के द्वारा इन्होंने दिया गया था 2012 और 2013 में। इनकी जो है NIRF रैंकिंग जो है 82 है ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। और ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो कॉलेज है ये थर्ड रैंक पे आता है राजस्थान में आफ्टर IIT जोधपुर और MNIT जयपुर के बाद जो है ये राजस्थान का थर्ड टॉपेस्ट कॉलेज है, ठीक है। तो इनकी इस बात पे हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि MBM जोधपुर भी है और भी कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये हो गया इनके रैंकिंग के बारे में हमारी ये बात हो गई। तो फ्रेंड्स इस कॉलेज के आपने प्लेसमेंट्स कट ऑफ रैंकिंग के बारे में जान लिया। तो दोस्तों इस कॉलेज के बारे में हमने और भी जानकारियाँ जो है मतलब एक लिंक के थ्रू हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, उसके थ्रू आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज लर्न मोर एंड गेन मोर को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।